हे गाइस, इट्स मी मॉसिक टेक और ये लेनोवो वाई पी वन एम है। तो हम आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। लेनोवो ने दो फ़ोन लॉन्च किए थे, लेनोवो वाई पी वन एम और एक पी वन। तो ये है छोटा वाला है पी वन एम। तो पी वन एम का जो प्राइस है वो है ₹7,999। तो आप इसको खरीदना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ वहाँ से खरीदिए। और अगर बाद में ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिंक पर जाइए और ऐड टू कार्ट कर दीजिए और बाद में ख़रीद सकते हैं। तो ये मैंने फ़ोन अपने फादर के लिए ख़रीदा है, तो मैं सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग कर ली जाए। और ख़ास बात यह है कि इसकी बैटरी है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लो बजट में काफ़ी मुझे अच्छा फ़ोन लगा जिसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा है। पर कैमरा तो इसका थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, पर चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बॉक्स पे यहाँ पे वाइब लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, और यहाँ पे ग्रीनिश और ब्लूइश कलर में डिज़ाइन कर रखा है। नीचे के साइड लिख रखा है कि इसमें बैक कवर और एक फिल्म इनसाइड है, मतलब एक स्क्रीन गार्ड भी दे रहे हैं। तो बैक कवर पर देख लेते हैं, यहाँ पे प्राइस रेंज लिखी होगी, रुपीज़ इन्होंने लिखा हुआ है 8,499, बट इसका एक्चुअल प्राइस है 7,999। तो यहाँ पे थोड़ा गलत दे रखा है प्राइस। तो इसमें नीचे स्पेसिफिकेशन दे रखी है, तो स्पेसिफिकेशन तो अभी हम पढ़ते नहीं क्योंकि हम इसको अनबॉक्सिंग के टाइम पे सब कुछ कवर अप कर लेंगे, तो उसको फ़िलहाल अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पे सार वैल्यू देख लेते हैं, सार वैल्यू कहाँ लिखी है। सार वैल्यू तो यहाँ बीच में लिखी हुई है, 1.18 हेड के लिए और 0.915 बॉडी के लिए दे रखी है। जो हेड के लिए वो थोड़ी सी ज़्यादा है, पर फ़िलहाल उससे काम तो चल ही जाएगा, लेकिन अगर 0.9 होती तो फिर भी सही रहता है हेड के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इसकी अनबॉक्सिंग कर डालते हैं आज। तो यहाँ पे स्टिकर दे रखा है, इसको हटा लेते हैं और इसको हम खोलने वाले हैं। सो खोलने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखी वो फ़ोन दिखा, लेनोवो वाई पी वन एम। तो देखिए लेनोवो वाई पी वन एम यह लिखा हुआ है, और उसके साथ हमें एक स्क्रीन गार्ड मिला है, जैसे कि बॉक्स के बाहर लिखा हुआ था फिल्म इनसाइड, तो स्क्रीन गार्ड दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो उसको हम रख लेते हैं साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में हमें पेपर वर्क मिलता है, या साइड में इन्होंने पेपर वर्क लगा रखे हैं कुछ। यहाँ पे लेनोवो लिमिटेड वारंटी लिखा हुआ है, उसके साथ एक और पेपर लिखा हुआ है, ये कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ समझ तो आने रख क्या लिखा हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में, तो उसको रख लेते हैं। उसमें एक और चीज़ दी है, वो है क्विक स्टार्ट गाइड होगी वो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट गाइड। वैसे क्विक स्टार्ट गाइड की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, सभी जानते हैं कि फ़ोन में कैसे सिम इंसर्ट करनी है, कौन सी सेटिंग कैसे कहाँ जाना है, सब लोग कर ही सकते हैं, तो इसकी तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसको हम रख देते हैं वापस। तो नेक्स्ट थिंग हमें वो चार्जर मिला है। तो चार्जर है, मैं देखना चाहता हूँ इसकी रेटिंग कितनी दी है, क्योंकि इसको काफ़ी हाई बैटरी है वो चार्ज करनी है, 3900 mAh की बैटरी चार्ज करनी है, तो ये फ़िलहाल एक क्विक चार्जर ही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई है 5.2 volt at 2 ampere। तो ये फास्ट चार्जर भी नहीं है, ये नॉर्मल स्लो चार्जर भी नहीं है, बट क्विक चार्जिंग है। तो मैं नेट पे पढ़ा था कि ये 2 घंटे 30-40 मिनट में 10% से 100% तक चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे डेटा सिंकिंग की केबल भी मिली है हमें, और ये हमें मिला है ईयरफोन्स। ये इन ईयरफोन्स नहीं है, पर ये आउट ईयरफोन्स है जो प्लास्टिक है। तो बताया ना कि अगर उसको क्विक स्टार्ट गाइड और इस पेपर वर्क ना देके अच्छे से ईयरफोन दे देते वो ज़्यादा बेहतर रहता। तो एक्चुअली ये ईयरफोन्स है, तो ईयरफोन्स तो एक्स्ट्रा ही खरीद लीजिए, JBL के वगैरह वगैरह वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। JBL के ईयरफोन्स आपको ख़रीदना चाहते हैं लो प्राइस में सबसे बेस्ट, तो यूट्यूब बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से ख़रीद लीजिए। चलो इसको रख के फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। ये है लेनोवो वाई पी वन एम, और उसके पीछे देखिए ये है बैक कवर, हमें एक एक्स्ट्रा बैक कवर मिला है इसके साथ। एक्स्ट्रा क्या है कि बैक कवर मिला है जो इसमें लगा के दे रखा है इन्होंने। तो फ्रंट में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ह्यूज बैटरी विद क्विक चार्जिंग और नैनो टेक्नोलॉजी बाय P2i, मतलब एक नैनो कोटिंग स्क्रीन के ऊपर कर रखी है, पर इसकी स्क्रीन की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब इस पर स्क्रीन पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन नहीं है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2 भी प्रोटेक्शन नहीं है, ना ही ड्रैगन टेल है। तो फिर इसकी स्क्रीन को आपको थोड़ा बचा के रखना होगा। और उसमें 1 की पावर सेवर दे रखा है, मैं सच में ये अजीब बात है कि इन्होंने 1 की पावर सेवर दे रखा है इस फ़ोन में, जो कि इसकी बैटरी पहले से इतनी ज़्यादा है। तो उसके बैक कवर देख लीजिए, काफ़ी फ्लेक्सिबल और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का बैक कवर लग रहा है मुझे। तो उसके एक्स्ट्रा कोई कवर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, सिलिकॉन कवर आप चाहते हैं, ये मोटा कवर भी नहीं है, ये काफ़ी स्लिम है और फ्लेक्सिबल है। तो बैक कवर देख लीजिए, इसका खुद का बैक कवर भी काफ़ी मैट फिनिश है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है आपको जैसे फ्लिपकार्ट या इंटरनेट पर फोटोज़ में दिख रहा था, ये काफ़ी स्मूथ और एक ये रविश मैट फिनिश का कोई प्लास्टिक कवर है।
तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, तो गुड क्वालिटी का प्लास्टिक कवर है। उसको रब भी करेंगे किसी पे तो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। यहाँ वाइब लिखा हुआ है बैक साइड में, और इस साइड में देखिए ये मेटल की लग रही है, ये सिल्वर कलर की रील्स, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये एक्चुअली प्लास्टिक ही है, पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है एक तरह से। तो लेकिन फिर भी आप बैक कवर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि ख़राब ना हो जाए। मुझे लगता है इसलिए इन्होंने ये बैक कवर दिया होगा ताकि ये चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे पावर की और वॉल्यूम रॉकर की दे रखी हैं, और लेफ़्ट साइड में वन की पावर सेवर मोड दे रखा है, जिसकी हम बात बाद में भी करेंगे, आपको दिखाऊंगा चला के। और उसकी स्क्रीन है जो 5 इंच की स्क्रीन है, 720p डिस्प्ले है, और उसके ऊपर दे रखा है फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट, और फ्रंट 5 मेगापिक्सल कैमरा दे रखा है जो 480p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, और यहाँ पे माइक दे रखा है, और यहाँ पे सेंसर दे रखे हैं। तो एक्चुअली इसकी जो कैमरा है वो काफ़ी बेकार कैमरा है जो पता चला है, और नीचे स्पीकर दे रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ यही वाला स्पीकर काम करता है, लेफ़्ट वाला, राइट वाला काम नहीं करता है, ये मैं इंटरनेट पे मैंने पहले से पता लगा लिया, पर रिव्यू वीडियो में तो मैं इसको ज़रूर कवर अप करूँगा। तो बैक पे हमें 8 मेगापिक्सल का सिंगल एलईडी फ्लैश के साथ कैमरा दे रखा है, और एक सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन भी दे रखा है, और टॉप के अंदर हमें दे रखा है 3.5 मिलीमीटर हेड जैक, और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट जो ओटीजी को भी सपोर्ट करता है, क्विक चार्जिंग को भी। तो बैक कवर रिमूव हो सकता है, तो उसके बैक कवर रिमूव कर लेते हैं। तो उसका बैक कवर काफ़ी टाइट है, तो उसका बैक कवर निकाल लिया है मैंने, और यहाँ पे देखिए ये है इसकी 3900 mAh की बैटरी, ह्यूज बैटरी। तो बैटरी को तो वैसे हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे 3 जगह लिखा हुआ है डू नॉट रिमूव द बैटरी, अगर बैटरी निकाल देंगे तो वारंटी इसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये स्टिकर्स है वो अपने आप हट जाएंगे, और उनको पता चल जाएगा सर्विस सेंटर वालों को कि यहाँ पे इन्होंने बैटरी निकाल ची है। तो यहाँ 32 GB का माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट करता है, और यहाँ पे देखिए पहला स्लॉट है माइक्रो सिम का, दूसरा भी माइक्रो सिम का स्लॉट है, दोनों सिम एक्चुअली 4G सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है कि दोनों स्लॉट 4G सपोर्ट करते हैं। अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसकी डिस्प्ले है वो IPS 5 इंच 720p डिस्प्ले है, 294 PPI डेंसिटी, और उसमें एंड्रॉइड वर्जन है वो 5.1 लॉलीपॉप का दिया है, चिपसेट है मीडिया टेक MT6735 का प्रोसेसर दिया है, GPU क्वाड कोर 1 GHz Mali-T72 GPU, 16 GB इंटरनल स्टोरेज है, रैम 2 GB की है, प्राइमरी 8 मेगापिक्सल का कैमरा, ऑटो फोकस LED फ्लैश, फ्रंट 5 मेगापिक्सल कैमरा, और बैटरी है 3900 mAh की है। तो उसको पावर ऑन कर लेते हैं, तो पावर ऑन करने के बाद इसने हैप्टिक फीडबैक दी है, तो उसके ऊपर की जो प्लास्टिक ये कवर है ये निकाल लेते हैं। तो ये बूटिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को, और यहाँ देख सकते हैं ये कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में ही ये ऐप ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। तो ऐसे तो सेटअप विज़ार्ड खुलेगा तो हम देखते हैं, लैंग्वेज तो चेंज हो ही जाएगी, तो वेट कर लेते हैं, ये ऐप ऑप्टिमाइज को कर लें दो। तो ये यहाँ पे हम सेटअप विज़ार्ड खुल गया है, तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश कहाँ गई, ये रही इंग्लिश। तो आगे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है इंसर्ट सिम कार्ड, मैं इसको स्किप कर देता हूँ अभी के लिए, और मेरे को अपना वाईफाई का ज़रा नेटवर्क सेट करने दो, तो मैं इसको पासवर्ड डाल देता हूँ, तो उसके बाद कनेक्ट कर दिया है मैंने, तो नेक्स्ट करो, और यहाँ पे लिखा है कि 2 मिनट तक वेट करो, तो रुक जाते हैं, और यह सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक कर रहा है यहाँ पे, और इसने लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट कोई मिला नहीं इसको, तो ईमेल आईडी मैं डाल लेता हूँ, मैंने डाल ली। तो काफ़ी सिंपल है इसका अभी इनिशियल सेटअप, वो छोटा ही है, काफ़ी बड़ा भी नहीं है, तो कई में होता है काफ़ी बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती है, तो इसमें काफ़ी छोटा ही दे रखा है। तो स्किप, और ये गूगल पे सर्विसेज, चलो इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, सारा बैकअप वैकअप सेट करने के लिए, और ये स्टार्ट हो गया है। तो ये रहा लेनोवो YP1M, इसका YBUI लॉन्चर, और जैसे कि इसमें कोई ऐप ड्रॉ नहीं है, ये नोटिफिकेशन पैनल है, तो ये सिस्टम अपडेट यहाँ पे दिखा रहा है, पर इसको चलो बाद में देखूँगा। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी स्मूथ मुझे UI मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐप ड्रॉ नहीं है, सबसे बेकार बात मुझे यही लगती है YBUI की। चलो अबाउट फ़ोन में चलते हैं और देखते हैं इसका एंड्रॉयड वर्जन क्या दे रखा है। तो यहाँ पे स्टेटस बार में बैटरी 55% दी गई है फर्स्ट बूट में, और डिवाइस इन्फॉर्मेशन में यहाँ दे रखा है एंड्रॉयड वर्जन 5.1। तो ये लॉलीपॉप का भी लेटेस्ट वर्जन नहीं है, क्योंकि लॉलीपॉप का लेटेस्ट वर्जन है 5.1.1, और ना ही मार्शमेलो दे रखा है इसमें, तो इसमें लॉलीपॉप 5.1.1 दे रखा है। तो यहाँ पे बैक कर देता हूँ, जो नीचे के टच कैपेसिटी बटन्स है उनमें भी लाइट नहीं जलती है, तो ये भी काफ़ी बेकार बात है, और यहाँ पे CPU क्वाड कोर 1 GHz का प्रोसेसर और वगैरह वगैरह स्पेसिफिकेशन दे रखे। तो
तो बैक करता हूँ, हम स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं कि 16 GB इंटरनल स्टोरेज में से हमें कितनी स्टोरेज मिलती है। मैंने गूगल अकाउंट ऐड किया है बस, और यहाँ पे देखें 9.8 GB स्टोरेज हमें मिलता है फ्री आउट ऑफ 16 GB। तो ये काफ़ी थोड़ी कम है, लगभग 11 GB की तो मिलनी मिलती है हर फ़ोन में, पर इसमें थोड़ी सी और कम दे दिया। पर इसमें ब्लॉटवेयर बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं, हम ये ऐप्स में जाके देखेंगे। तो यह है बैटरी लेवल, और यहाँ पे देखिए स्मार्ट इंटेलिजेंट सेविंग मोड, और यह 1 की पावर सेवर मोड, इसको हम भी आखिर में चला के देखेंगे इसका क्या यूज़ है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो ऐप्स की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए इतना सारा ब्लॉटवेयर है, तो हाँ हम इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं हम, और हमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज हमें फ्री मिल जाएगी। तो रनिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें फ्री रैम दे रखी है 1.4 GB की रैम। तो अगर गूगल अकाउंट में ऐड नहीं करता तो कुछ गूगल की एप्लीकेशन वो चलती ही नहीं है, तो हमें एक 1.67 GB के आसपास रैम फ्री मिल जाती, तो वो काफ़ी बढ़िया बात होती। तो डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन दे रखा है, तो ब्राइटनेस लेवल में यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन दे रखा है, तो इसको ऑटो को ऑफ करके हाँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो इसको ओके कर देता हूँ। तो ये ब्राइटनेस मैंने सबसे हाई कर दिया, तो ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा भी हाई नहीं हुई है पर फिर भी सही है। तो यहाँ गूगल ऐप्स दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर दे रखा है जिसकी कोई भी यूज़ नहीं करता है, तो इसको पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो काफ़ी बेहतर बात है। तो कैमरा की तरफ बढ़ते हैं, तो कैमरा इसका है 8 MP का जो 720p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, बैक का, और फ्रंट है 5 MP जो 480p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो उसका ये साउंड ही कुछ अजीब सा साउंड देता है जब उसके फोकस करते हैं, तो उसको हम ऑफ कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने इसको ऑडियो हटा रखी है, वो ऑडियो तो अपने बाद में रिकॉर्ड किया, तो इसलिए आप भी सुन नहीं पा रहे। तो मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ फ्लैश के साथ, और 2-3 फ़ोटो मैंने खींच लिया। यहाँ देखिए एकदम बकवास कैमरा आपको एकदम क्वालिटी इसकी मिल रही है, बिल्कुल बकवास। देखिए एकदम ब्लर्ड पिक्चर आ रही है, फोकस नहीं हो रहा है। तो इसकी तो मैं बात आपको बाद में करूँगा कैमरा के रिव्यूज़ की, अपने जब रिव्यू वीडियो है उसमें डाल के दिखाऊँगा। तो ये फ्रंट कैमरा की जो पिक देख खींची है, तो फ्रंट कैमरा की तो मेरे को अच्छी लगी है। देखिए फ्रंट कैमरा की तो फिर भी अच्छी आई है, एक्चुअली लो लाइट में भी। तो कैमरा के कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, बैक कैमरा की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में यहाँ पे शटर साउंड दे रखा है, इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं ताकि जो अनयूजुअल नॉइज़ है वो हमें ना सुनाई दे, क्योंकि काफ़ी इसकी बेकार नॉइज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑप्शन देखिए, सिर्फ 720p वीडियो रिकॉर्डिंग, और वीडियो ड्यूरेशन है वो है 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट तक ही कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा के कर ही नहीं सकते। और यहाँ देखिए क्लोज ऑटो फोकस हो रही है कि इन्फिनिटी, तो मैं इसको इन्फिनिटी पे सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे लोकेशन वगैरह, और यहाँ पे देखिए 16:9, 4:3 को भी हम चेंज कर सकते हैं। और सीन मोड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लैग कर रहा है, देखिए आप यहाँ मैं क्लिक करो कुछ हो नहीं रहा है, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा लैग भी कर रहा है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है ये पहली बार सेटिंग खुली है, तो हल्का सा लैग कर रहा होगा, बाद में शायद ना भी करे, लेकिन ये रिव्यू वीडियो में तो हम सब देख लेंगे कि क्या कैसे क्या परफॉर्मेंस है इसकी, गेमिंग रिव्यू में भी सब देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये रिसेंट ऐप्स कैसे खुलते हैं, तो उसको होल्ड करके रखना पड़ता है और रिसेंट ऐप खुलते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं 1 की पावर सेवर मोड की, तो उसको हम ऑन कर लेते हैं अंदर थोड़ा सा अंगूठा फंसा के। तो ये देखिए ब्लैक थीम्ड में दिख रहा है, तो हम नोटिफिकेशन पैनल देखो ओपन ही नहीं कर सकते इसमें। और यहाँ देखिए सिर्फ बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ फ़ोन कॉल, कॉन्टैक्ट, मैसेजिंग, कैलकुलेटर, म्यूज़िक, सिर्फ यही चीज़ें खोल सकते हैं। और यहाँ पे वाईफाई और डेटा पैक भी ऑन कर सकते हैं। तो ये तब के लिए है जब आपकी बैटरी बहुत कम रह जाए, 15% रह जाए, आप काफ़ी दूर है घर से, आपको घर पहुँचना है, आपके सोच रहे हो कि ख़त्म हो जाएगी, तो आप सिर्फ ये यूज़ कर लीजिए, फ़ोन कॉल वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बाकी आपको फेसबुक व्हाट्सएप के अलावा। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक सिस्टम अपडेट भी आ रखा है नोटिफिकेशन पैनल में। तो यहाँ पे देखिए 1351 MB, इतना बड़ा अपडेट इन्होंने दे रखा है एक छोटे से फ़ोन में, 1351 MB का, यह है 1 GB 351 MB का दे रखा है इन्होंने अपडेट। तो ये सब मैं रिव्यू वीडियो में कवर अप कर लूँगा उससे पहले अपडेट करके। तो इस वीडियो में इतना ही, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और शेयर जरूर करें। और आप अगर पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और भी वीडियो के लिए। और अगर आपको व्हाट्सएप टैग ग्रुप ज्वाइन करना है तो अपना नंबर कमेंट कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर डाल के, तो मैं आपको ऐड कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और थैंक यू, तो आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।